नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। परिणाम क्या है? ये हमारे लिए जब 2017 में मैं आया था, मुख्यमंत्री बना था, तो उस समय मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होते थे तो इस सर्वे में यूपी देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन सर्वे में यूपी सबसे फिसड्डी राज्यों में होता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, विगत 5 वर्ष के अंदर किए गए परिश्रम का परिणाम क्या है कि एनीमिया में अगर आप देखेंगे तो नेशनल एवरेज से भी उत्तर प्रदेश का अच्छा हुआ है। यानी खून की जो कमी की शिकायतें होती थी, आज उससे उभरने में उत्तर प्रदेश सफल हुआ है और काफी तेजी के साथ हमने अपनी गति को आगे बढ़ाया है। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर काफी हद तक नियंत्रित करने और नेशनल एवरेज के आसपास हम लोग पहुंच रहे हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारी दिशा सही है, हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उसे और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोगों ने जो मकड़ जाल था पोषण मिशन के साथ जुड़ा हुआ, उसको विकेंद्रित करते हुए 60,000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई बहनों को इसके साथ जोड़ा है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय था। मैं तो देख के ताज्जुब करता था कि जो लोग शराब बेचते थे वे लोग पोषण का पोषाहार भी बेच रहे हैं। तो मुझे ताज्जुब होता था कि भाई ये तो इस शराब बेचने वाले लोग इस मामले में क्या काम करेंगे। हमने कहा नहीं, ईमानदारी के साथ इस कार्य को कोई कर सकता है तो ये बहनें कर सकती हैं जो वास्तव में जिनके मन में ये भाव हो। और इसीलिए महिला स्वयंसेवी समूह 60,000 से अधिक प्रदेश भर की महिला स्वयंसेवी समूह ने इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिया है और इसे हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज हर जनपद में नए नए प्लांट लग रहे हैं उनसे जुड़े हुए। क्वालिटी का फूड और पोषाहार हर एक स्तर पर पहुंचाने की कार्रवाई को किया जा रहा है। हमने थर्ड पार्टी इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की है और आज इस सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। और मैं मान सकता हूं कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य, भले ही तमाम प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने क्यों ना रही हों, लेकिन उस सब के बावजूद हम लोग जब इस दिशा में सामूहिक रूप से आगे बढ़े हैं तो वह बहुत सफलता की एक नई कहानी हम सबके सामने कहने जा रही है। और इस दिशा में अभी और अच्छे प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जो मैं मुझे बताया गया कि 1,70,00,000 बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अपने भविष्य की नींव को मजबूत करते हैं। यानी दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों की इतनी आबादी नहीं होगी, देश के अंदर बहुत सारे राज्यों की इतनी आबादी नहीं जितने हमारे पास आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे हैं। और इसलिए इन बच्चों को देश के एक अच्छी जवानी देश के सामने आए,